हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। और सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। खैर, इस पर्टिकुलर मूवी का रिकमेंडेशन किया है मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है सुमित। तो यार थैंक यू सो मच सुमित भाई। तो जैसे सुमित ने किया वैसे आप लोग भी रिकमेंड कर सकते हो आपकी पसंद की मूवीज और सीरीज कमेंट सेक्शन में। तो जिसका रिकमेंडेशन अच्छा लगा उसमें मैं वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। ऑल इवेंट्स व्हाट्स एवर आर गवर्नर बाय द सीक्रेट काउंसिल ऑफ गॉड। ऐसा मैं नहीं बल्कि जॉन कैल्विन भाई साहब कहते थे। अब आपको नहीं पता जॉन कैल्विन कौन है तो आप लोग गूगल पे जाओ और जॉन कैल्विन के बारे में आप लोग रिसर्च करो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। ये बहुत ही पुराने चावल थे जिन्होंने बहुत सारे ऐसे कोट्स किया है, इनके बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली है, लिखी है, जिन पर उस वक्त काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था। और एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि ये गॉड को किंग मानते थे और उनके हिसाब से जो जो चीज़ें दुनिया में हो रही है ये सारी की सारी गॉड की वजह से हो रही, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, ये सारी चीज़ें करने वाले गॉड ही है। और गॉड ही है जिन्होंने शैतान को भी क्रिएट किया है। और एक चीज़ तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा इस पर, जब ये बात निकली है तो मानो एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग रहते हैं, यहाँ पर शैतान का अस्तित्व है ही नहीं, यहाँ पे इविल है नहीं, और जब इविल नहीं है तो यहाँ पर बुराई भी नहीं है। तो क्या ऐसी दुनिया सर्वाइव करती थी? यानी कि हम जिस युग में पैदा हुए तो क्या ये युग आता अगर इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग ही होते? यानी कोई एक दूसरे से लड़ता नहीं, कोई जानवर को खाता नहीं, कोई जानवर भी किसी जानवर को नहीं खाता, मतलब सभी अच्छे होते, तो क्या होता? इसका सवाल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। खैर बात करेंगे इस पर्टिकुलर मूवी का। लास्ट थिंग मैरी सॉ, मूवी की ओवरऑल लेंथ 1 आवर 28 मिनट की। आपको फ्री में कहाँ पर देखने मिलेगी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि मूवी सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है विद इंग्लिश सबटाइटल्स। मूवी की कहानी सेट है 1843 में, जहां पर हमें एक आइसोलेटेड आइलैंड नजर आता है। अब उस आइलैंड में एक घर है जहां पर एक लड़की रहती है अपनी फैमिली के साथ। अब इस लड़की का नाम है मैरी, बट मैरी के ऊपर कुछ ट्रायल्स चल रहे हैं, यानी कि किसी ना किसी का तो मर्डर हुआ है। अब ये मर्डर हुआ किसका है? और सबसे शॉकिंग बात यह कि मैरी की आंखों में पट्टी बंधी है और उसके आंखों से खून निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैरी के साथ किया किसने, ये सब कुछ अगर जानना है तो आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। इट्स अ गॉथिक हॉरर मूवी, और आप लोग कह सकते हो ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी भी है। लेकिन ये हॉरर वर्ड सुनकर आप लोग ये मत सोचना कि यार इसमें चुड़ैल या बहुत जंप स्केयर सीन देखने को मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक स्लो बर्न हॉरर मूवी है जिसको एक अलग तरह का एटमोसफियर दिया, जिसकी वजह से वो आप लोग हॉरर वाली फीलिंग महसूस करते हो। उसके अलावा मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करते हो तो यहाँ पर ज़्यादा कैरेक्टर्स तो नहीं, यहाँ पर टिपिकली एक पूरी फैमिली बताइए, और उस फैमिली में वो जो अलग अलग किरदार है वो एक ऐसा मुद्दा यहाँ पर इस मूवी में उठाने की कोशिश की है। तो उस मुद्दे को लेकर वो लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, उनकी क्या सोच है, वो चीज़ पर ये पूरी की पूरी मूवी बनी है। हालांकि वो सोच आप लोग अगर इस पर्टिकुलर मूवी को देखोगे तो आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में भी वो जो मैंटेलिटी है वो लोगों की बदली है या नहीं बदली? हालांकि अगर मुझसे पर्सनली पूछो तो भाई मैं तो मानता हूँ, बता दूंगा तो फिर वो रिवील हो जाएगा। खैर अगर मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो मूवी को जो डार्क टोन दिया है ना वो स्टार्ट से लेकर एंड तक आपका इंटरेस्ट बनाए रखता है। मूवी का बीजीएम अच्छा है, लेकिन मैं आपको फिर से बोलती हूँ ये काफ़ी ज़्यादा स्लो पेसिंग वाली मूवी है। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो हर एक एक्टर ने अपने हिस्से के रोल को अच्छी तरह से किया, डायरेक्शन भी अच्छा है, और जो चीज़ मेकर बताना चाहते थे वो चीज़ डेफिनेटली बताइए। लेकिन अब इस मूवी की अगर नेगेटिविटी की बात करूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस मूवी में अनसॉल्व रह गए, यानी कि उसका आपको समझ में नहीं आता, बस आपको प्रिडिक्शन ही लगाना पड़ेगा कि हाँ यार एंड में ऐसा हुआ है या वो ऐसा होगा। आप लोग एक अंदाज़ा ही लगा सकते हो, मैंने भी एक अंदाज़ा ही लगाया। तो यार मैं तो इतना ही बोलूँगा कि ये मूवी वन टाइम वॉच है, और मूवी अच्छी लगी मुझे सुमित भाई, इसलिए मैंने इसका रिव्यू किया। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10, और पेरेंटल गाइडेंस पर इतना ही बोलूंगा मूवी में किसिंग सीन्स है तो आप लोग ये फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते हो। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया और टेलीग्राम चैनल की, वहां पर जाओ, ये मूवी आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।